फिक्र की कोई बात नहीं है अंकल, ब्लड प्रेशर भी कोई खास ज्यादा नहीं है। जिस तरह आपने टेलीफोन किया था मैं तो घबरा गया था। आंटी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। आप इन्हें छोटी मोटी बातें कहते हैं? दीपा जो कुछ करती है ना उससे हम सबको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ यही ताजुब है मुझे। रानी, अंकल प्लीज, डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे मरीज की परेशानी की वजह क्या है। दीपा ये वही लड़के नाथ लड़की है ना जिसे आपने गोद लिया? काहे की अनाथ, चोर बेशरम नाशुकरी, जाने कैसी कैसी गालियां बकती है। जो हजार बार जेल में रहा हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हे रानी की बच्ची, बाहर के लोग के सामने ऐसा कर को बोलती मेरे को? बताओ क्या तेरे को मैं भी। अरे चुप रहना। काहे का चुप रहेगा, क्या किया जो मैंने चुप रहेगा? ये इशना कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके गया। जुर्म है कि बच्चों को हवा में घुमाना, अगर है तो चढ़ा दो फांसी। दीपा, सारा जैसा अपनी सारा मुसीबत लाया इस घर में। अब तुम ही बता विक्रम, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा था मगर लंका आ गई बीच में, सब कुछ राख हो जाएगा इस घर में, तब मानेगी। ये घर है साला जेल से भी खराब। अरे इधर से तो उधर ही अच्छा था हम, ये नहीं करो वो नहीं करो, गाना नहीं गाओ हंसो नहीं, पाँव खुर्ची पे काय को रखती है, वो खोल के काय को खाती है, आंख बंद करके काय को सोती है। कल से बोलेगा साथ मत लो, जिंदा मत रो। अरे फिर काय को ला इधर मारने का वास्ते, साला जब देखो किट 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 किट, नहीं रहना काबर को इधर। बंद करिए बकवास, पागल हो गया तुम? जरा भी बदतमीजी की तो चोटी पकड़ के ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। क्या बोला तुम? जानती है मैं इस घर का डॉक्टर हूँ, इस घर में सबका इलाज करता हूँ, लगता है तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। अरे जा जा, अब उनको कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं देखता हूँ कि तुझे हुआ क्या, शर्म नहीं आती तुझे? ये बेचारे भले लोग तुझे अपने घर में लेकर आए, रहने को जगह दी, बढ़िया खाना दिया, कपड़े दिए, अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, इज्जत दी, बदले में तू क्या दे रही है इन्हें? अरे जानवर को भी प्यार करो तो जवाब में प्यार देता, तू क्या जानवर से भी कहीं गुजरी है? पर अपने किया क्या ये तो बोल। तुझे मालूम है माँ कितनी बीमार है? जो कुछ आज हुआ अगर वो दोबारा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कौन जिम्मेदार होगा उनकी मौत का? हाँ चल उनसे माफी मांग। माफी किस बात की, अब उनका जुर्म क्या है? माना कि तूने कुछ नहीं किया, माफी मांगने से तू छोटी नहीं बन जाएगी। चल अभी देख, क्या रही है पतीला इधर ला और चल मेरे साथ, आंखें दिखाती है। चला आंटी, दीपा आपसे कुछ बोलना चाहती है। कान पकड़ो, मैंने कहा कान पकड़ो और बोलो। क्या बोलूं? मैं बताता हूं क्या बोलना है, जो मैं बोलता हूं वो बोलो। हाँ बोलती। आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, मुसीबत खड़ी हुई है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ उधर देख कर बोलो माँ। बस